हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और ये दे आईएएस की टेस्ट सीरीज है। इसके साथ साथ हम लोग दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, और ये टेस्ट नंबर 3 है। इकोनॉमी का टेस्ट चल रहा है, इससे पहले हमने 2 टेस्ट नंबर सॉल्व कर लिया है, और ये टेस्ट 2 का 4th पार्ट है। ठीक है, 3rd पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। जिसने भी उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका 76 नंबर से, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चयन करना है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड की स्थापना 1991 के औद्योगिक नीति के अंतर्गत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण करना था। तो गैज, ये बिल्कुल गलत है इसका, क्योंकि ये ऐसा कोई इसमें ये नहीं कहा गया था। उन्होंने कहा था कि इसका उद्देश्य उद्योगों के जो श्रमिक थे उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था, तो ये गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन ए, मतलब कथन ए सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, ए कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा नगदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि के संबंध में सत्य है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है, इसकी वृद्धि में वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक मुद्रा होगी। इसकी वृद्धि में से वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। केंद्र के पास उधार देने के लिए अधिक मुद्रा होगी। केंद्र के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। तो गाइस, इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब होता है रिजर्व अनुपात, जब कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, तो सरकार बैंकों को अपने पास ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ता है, और जब ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पास पैसा कम बचेगा, तो लोगों को उधार जनता को कम देंगी, अधिक दर पर देंगी, तो इसीलिए जो है बैंकों के पास कम मुद्रा होती है उधार देने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है। तो फर्स्ट है कि गरीबी निवारण हेतु वित्तीय सेवा विस्तार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा का विस्तार करना, कमजोर वर्गों हेतु संभावित समृद्धि के द्वार खोलना, उपरोक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, सभी ये सही हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि समाज में जो गरीब तबका होता है, जो बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं ले पाता, उनके लिए खोला जाता है। जैसे कि अभी वर्तमान की बात करें, जो जनधन स्कीम आई थी, जनधन प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो वो इसीलिए आई थी कि गरीब के जो लोग हैं, जो बैंकों तक जिनकी पहुंच नहीं है, उसको ग्रामीण क्षेत्रों में ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ठीक है, ताकि वो भी इस बैंकिंग सुविधा का लाभ ले सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि छाया कीमतें, जिनको सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ए के सेन ने किया था, आर नर्क्स ने किया था, जे टिन बर्गिन ने किया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जे टिन बर्गिन ने किया था इसका। और ये छायक कीमतें क्या होती है, जो प्राइमरी होती हैं, जो बेसिक वस्तुएं होती हैं, उनकी जो कीमतें होती हैं उनके बारे में बताया गया, उन्हीं के आधार पर फिर सार्वजनिक कीमतों उनकी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि आधारित उद्योग। तो बताना है भारत निर्माण कार्यक्रम का अंग कौन कौन से अंग हैं, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन ग्रामीण विद्युतीकरण, ये भी सही है, और ग्रामीण विकास की बात करें, ये भी सही है, लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य और कृषि आधारित उद्योग, ये इसके बारे में इसमें नहीं कहा गया। तो ऑप्शन डी सही है। इसमें क्या था, भारत निर्माण कार्यक्रम ये 2005 और 6 में आया था, सरकार द्वारा लाया गया था। इसका मतलब मुख्य उद्देश्य था कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो उनको पूरा करना था, तो इसमें 6 ग्रामीण आवश्यकताओं को शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत थी, एक थी सिंचाई, एक थी सड़क आपकी, एक थी आवास था, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण, और ग्रामीण दूरसंचार प्रोवाइड कराना था। ठीक है, तो ये इतने इसमें कार्यक्रम थे, भारत निर्माण कार्यक्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में मंदी के समाधान है तो किस प्रकार का बजट अपनाया जाना चाहिए। तो अधिशेष बजट, बी है घाटे का बजट, सी है शून्य आधारित बजट, डी है आउटकम बजट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि घाटे का बजट इसमें अपनाया जाता है।
होता क्या है कि जब मंदी होती है तो बाजार में मांग नहीं होती, लोगों के पास पैसा नहीं होता, उनकी बेरोज मतलब उनके पास रोजगार भी नहीं होता है, तो आर्थिक समृद्धि बहुत नीचे चली जाती है। तो उसी को रिवाइव करने के लिए, मांग को क्रिएट करने के लिए सरकार क्या करती है कि बॉन्ड या सिक्योरिटी RBI द्वारा जारी करवाती है, और वो जब पैसा मिलता है तो वो ढांचागत अवसंरचना के विकास में सरकार लगाती है उसको पैसे को, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलता है और जनता के पास पैसा आता है, तो मांग क्रिएट होती है, और मांग क्रिएट होती है तो मतलब प्रोडक्शन की वो क्रिया चलने लगती है, तो प्राइवेट कंपनियां भी रोजगार देती हैं, उनके पास भी पैसा आता है, तो ये पूरी साइकिल चल जाती है। इसीलिए जो वो चक्री बेरोजगारी की बात की जाती है तो वो मंदी के कारण ही आती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है गिनी गुणांक के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, या आय की असमानता को मापता है, या गरीबी समानता की निरपेक्ष समानता की स्थिति में इसका मान एक होता है। तो गैज ये गलत कहा गया है कि मतलब निरपेक्ष समानता के गिनी गुणांक का काम होता है कि गरीबी मापन की एक विधि होती है ये। इसमें जो है निरपेक्ष समानता जो है वो 0 होती है, मतलब 0 से 1 के बीच होती है। तो निरपेक्ष समानता की बात करें तो ये 0 होती है, और निरपेक्ष असमानता की बात करें तो इसका मान 1 होता है। लेकिन जब 4 से 5 के, 0.4 से 0.5 के बीच में जब होता है, तो इसे अच्छा, मतलब गिनी गुणांक का जब पैरामीटर इतना होता है तो इसे अच्छा माना जाता है, और भारत में लगभग यही चल रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया होती है। इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसे गरीबी को मापा जाता है कि कितना पैसा किसके पास है और कैसी अर्थव्यवस्था की स्थिति है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कारपाट के संदर्भ में का गठन मतलब बताना है कि कब हुआ था। 1980 में हुआ था, 1958 में हुआ था, 1986 में हुआ था, 1995 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1986 में हुआ था, 1 सितंबर 1986 में। इसका फुल फॉर्म जैसे बोले कारपाट, वैसे समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों, अभी बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण परियोजनाएं जो होती हैं उनका कार्यान्वयन करना, और स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहन देना, और उनमें मदद करना था। ठीक है, इसीलिए इसको बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति अधिसूचित की गई थी, तो कब अधिसूचित की गई थी, मतलब कब लाई गई थी। नवंबर 2016, नवंबर 2011, दिसंबर 2012, या फिर नवंबर 2015। तो एक ऑप्शन बी सही है, नवंबर 2011 में ये लाई गई थी। इसका कारण क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है उनको नियंत्रित करना था, कि मतलब कैसे क्या करें कि लगभग किसी को हानि भी ना हो और लाभ, मतलब और ज़्यादा किसी को लाभ भी ना हो, कि मतलब सबका एवरेज एक पैरामीटर पे चलता रहे। इसीलिए ये लाई गई थी मैन्युफैक्चरिंग, जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी। ठीक है, 2011 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताना है। इसमें तो ए है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए वित्तीय उत्प्रेरक की व्यवस्था की जाती है। इसके तहत अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राजकोषीय प्रोत्साहन दिया जाता है। तो गाइज अभी हमने चक्री सिस्टम की बात की, कि मतलब सरकार इन्वेस्ट करती है, उसके बाद मांग क्रिएट होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, तो ये बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पारित बजट का संबंध मुख्यतः है मौद्रिक नीति से, वाणिज्यिक नीति से, राजकोषीय नीति से, तो या फिर मुद्रा बचत नीति से है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, राजकोषीय नीति से है। ऑब्वियसली है, क्योंकि राजकोषीय नीति में क्या होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, आय और व्यय का वित्तीय विवरण होता है, और बजट में भी यही कहा गया है। लेकिन जो हमारा संविधान है उसमें बजट शब्द कहीं भी यूज नहीं हुआ गया। आर्टिकल 112 में कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में कहा गया है, ना कि बजट के बारे में कहा गया है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली पूछ लेते हैं कि संविधान में बजट का प्रयोग किया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस एक पंचवर्षीय की प्रमुख विशेषता थी, तो ये बताना है। तो ऑप्शन ए है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, षष्ठम पंचवर्षीय योजना, या तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पंचम पंचवर्षीय योजना थी, जो 1974 से 1969 तक
69 तक रही थी, और इस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इन्हीं के जो ये न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम था, तो इसमें कहा गया था कि अनाज के बदले कार्यक्रम इसी के अंतर्गत लाया गया था, और अंत्योदय योजना भी लाई गई थी। और इंदिरा गांधी जी द्वारा जो गरीबी हटाओ का नारा था, वो भी मतलब पंचम प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, फिर बताना है मुद्रा स्फीति के नियंत्रण के बारे में बताना है, तो मांग पर नियंत्रण, फिर ब्याज दर को कम करना, वस्तुओं की रेशनिंग। तो इसका ऑप्शन स्टेटमेंट एक, मांग का नियंत्रण, ये भी सही है, वस्तुओं की रेशनिंग भी सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर ब्याज दर को कम कर दिया जाएगा तो लिक्विडिटी ज़्यादा होगी मार्केट में, क्योंकि ग्राहकों को पैसा बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा कम रेट पर, तो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, तो ये गलत हो गया। लेकिन जो मांग की नियंत्रण की, मतलब ब्याज दर को कम कर मतलब बढ़ा दिया जाता है जब, तो पैसा कम जाता है तो लोगों की मांग कम हो जाती है, वस्तुओं की रेशनिंग भी हो जाती है इसमें। ये आरबीआई के उपकरण हैं जो मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करती है, ये आरबीआई के उपकरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय एवं अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना कहलाता है, तो ये लीड बैंक हैं, या फिर सब्स्टिट्यूट बैंकिंग है, या विशेष बैंकिंग है, या प्रतिछाया बैंकिंग है। तो ये प्रतिछाया बैंकिंग का कार्य होता है, शैडो बैंकिंग। ठीक है, इसमें होता है कि मतलब जो कॉमर्शियल बैंक के साथ साथ एक पैरेलल चलती हुई जो होती हैं, ग्राहकों को कॉमर्शियल बैंकों की तरह ही सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे एनबीएफसी होती हैं, ये उनके बारे में बताया गया है। लेकिन उनके साथ साथ एक बहुत बड़ी, अपने भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, ब्लैक मनी। तो ये ब्लैक मनी भी एक पैरेलल इकोनॉमी का काम करती है, कि एक तो वो मतलब इंस्टीट्यूशनल कार्य चल रहा होता है, लेकिन पैरेलल। तो ये आरबीआई जब क्या करती है, मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करती है, जब कंप्लीटली वो नहीं कर पाती है मुद्रा स्फीति, वो अपने सारे उपकरणों का प्रयोग कर लेती है फिर भी नहीं होती है, तो सरकार क्या करती है, तब ये विमुद्रीकरण जैसी प्रक्रिया लाई जाती है, जैसे 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई थी। तो इससे जो है, चाहे जो भी जितनी भी करेंसी जहाँ भी होती है, वो सरकार के पास आ जाती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये बताना है। तो प्राइम लेंडिंग रेट, मतलब प्रधान उधारी दर, CRR, SLR बैंक रेट। तो RBI जो दो निर्धारित होते हैं, CRR भी है, SLR भी है, बैंक दर भी है। तो ये मतलब दो तीन चार, दो तीन चार, ऑप्शन डी इसका सही है। लेकिन जो प्राइम लेंडिंग रेट की बात करें, ये RBI नहीं निर्धारित, ये बैंक की जो कॉमर्शियल बैंकिंग होती है वो इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वो ऐसे अपने ऐसे कुछ विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देती हैं जिनसे जोखिम होने का शून्य खतरा होता है, उन्हें कम रेट ब्याज दर पर पैसा प्रोवाइड कराती हैं ऋण के रूप में, ताकि उनका पैसा जो है NPA में ना बने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं में से कौन सी एक स्थापना के कालक्रम अनुसार प्रथम स्थान पे है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, बी है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सी है ICICI बैंक, और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। तो इसमें बताना है, तो जो ये आया था, ये 1900 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 में आया था। ICICI की बात करें तो 1955 में आई थी, और ये 1900 औद्योगिक विकास बैंक 1964, ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास 1982 में आई थी। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि 1948 में सबसे पहले यही हुआ था, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है, इसका गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्टूबर 1993 में प्रारंभ हुई महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य बताना है कि क्या था, निर्धन महिलाओं को ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, या फिर ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाना, या फिर ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही है, ग्रामीण महिलाओं को बचत में को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम है, तो क्या निर्यात घट जाते हैं, आयात बढ़ जाते हैं, निर्यात या आयात दोनों घट जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि जब मुद्रा अवमूल्यन हो जाता है, मतलब अपनी मुद्रा को वैश्विक मुद्रा की तुलना में मूल्य कम कर देना होता है, मतलब मूल्य गिराना होता है। तो जब अपनी मुद्रा का मूल्य घट जाता है, तो मतलब उतने ही पैसों में विदेशों को ज़्यादा वस्तुएं मिल जाती हैं, जैसे 100 रुपये में एक TV मिलता था,
लेकिन अब हमने क्या कर दिया कि डॉलर के कंपेयर में अपने मूल्य को और नीचे गिरा दिया, तो अब 1 डॉलर में उनको 2 TB मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं ले जाएंगे? तो मतलब निर्यात बढ़ जाता है, तो ये जो कहा गया घट जाता है तो ये गलत है, लेकिन आयात घट जाता है, क्योंकि उनको ज़्यादा मतलब अगर इंडिया के लोग खरीदते हैं कहीं विदेशी की, अब जैसे पहले 1 डॉलर में उनको 1 TV मिल जाता था, लेकिन अब 2 डॉलर में वो TV मिल रहा है, तो ये आयात घट जाते हैं उनके, जिससे जो है इकोनॉमी जो अपना अपने इंडिया की जैसे अपने देश की इकोनॉमी मतलब पैसा अपने ही देश में रहता है, प्लस दूसरे देशों से आता है पैसा, तो इसीलिए ये अपनाया जाता है। और ये जो होता है, ये जो मैन्युफैक्चर हब होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं, जैसे कंट्री जैसे चाइना, चाइना में क्या होता है कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग गुड बहुत ज़्यादा है, तो उन वही लोग ये प्रक्रिया अपनाते हैं, वो चाइना मतलब बहुत बार ऐसी प्रक्रिया अपनाता है कि अपनी मुद्रा को डिवेल्युएट कर देता है, जिससे उनका आयात हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के गठन से सम्मिलित नहीं है? तो एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, सी है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, डी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये IMF जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, ये विश्व बैंक का भाग नहीं है। ठीक है, और जो ये दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, ठीक है ये, और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास खंड IBRD, और इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये तीनों ऊपर जो उसके भाग हैं वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भारत नगद कोष अनुपात में मतलब भारत नगद कोष अनुपात में वृद्धि के संबंध में बताया गया है कि मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा? साख में वृद्धि होगी, या फिर साख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उदार मौद्रिक नीति को इंगित करती है, साख सृजन को कम करती है। तो इसमें भी देखो यही पूछा गया है कि मतलब नगद कैश रिजर्व रेशियो, जब कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा करना पड़ेगा तो साख, ऑब्वियसली डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि साख कम हो जाएगी, साख सृजन जो है कम हो जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा पैसे रिजर्व करेंगी बैंकें तो उनके पास कम पैसा बचेगा, और जब कम पैसा बचेगा तो वो जनता को कम पैसा मतलब कम पैसा देंगी उधार मतलब ऋण के रूप में, तो उसके बारे में बताया गया, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणादानों में निबल वृद्धि का योग कहलाता है, तो बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, राजकोषीय घाटा कहते हैं, क्योंकि राजकोषीय घाटा क्या होता है मतलब फिजिकल डिफिशिएट होता है कि मतलब टोटल रिसिप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर, तो जहाँ घाटे का बजट होता है वहीं ऋण लिए जाते हैं। ऑब्वियसली अब जैसे जैसे रिवेन्यू कम है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, अब 1 रुपये हम कमा रहे हैं मतलब 10 1 रुपये कमा रहे हैं और खर्चा 2 रुपये है, तो उसका उधार लेना पड़ेगा ना, तो वही ये क्रियाओं के बारे में कहा गया। तो भारत में हमेशा राजकोषीय घाटा रहता है, जैसे 2019-20 के लिए है 3.8 और 2020-21 के लिए है 3.5 अनुमानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक को वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो जनता द्वारा जमा डिपॉजिट, उद्योगों की मांग जमा, किसानों की साख, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि किसानों की साख, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वाणिज्यिक जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये किसानों को ऋण देते हैं, तो ये उनकी जो असेट हो जाती है, लेकिन ये जो जनता का डिपॉजिट और ये उद्योगों की जमा है, ये उनके बैंकों के पास जनता का जमा और उद्योगों का जमा होता है, उनकी मतलब मांग होती है, तो ये लाइबिलिटी होती है, बैंक की लाइबिलिटी होती है, ना कि एसेट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वय वंदना योजना का संबंध है, मतलब वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने से, दिव्यांगजनों को के कल्याण से, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के कल्याण से, सैन्य कर्मियों हेतु आवश्यकता सुविधा हेतु। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि विश्व विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस एक संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो क्या ये IMF का है, या फिर विश्व आर्थिक मंच का है, या अंकटाड का है, या फिर विश्व बैंक का है? तो इसके बारे में कहा गया है, ये क्या हो गया, तो क्या यह विश्व बैंक का है? तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि विश्व
विश्व विकास रिपोर्ट, तो ऑप्शन डी इसका सही है। विश्व विकास रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जारी करती है। अंटार्कटिक की बात करें तो ये वैश्विक निवेश रिपोर्ट जारी करती है। और IMF जो है ये क्या करता है, दो रिपोर्टें जारी करता है। एक तो होती है वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट और एक होती है विश्व इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चित फास्टैग है एक आयुष्मान योजना को कार्यान्वित करने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन, रेलवे आरक्षण से संबंधित है, टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है इसका, टोल टैक्स के लिए अभी ये आया है 2025 में ही, करंट का ही क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया था कि अपने बैंक खाता को एक फास्टैग के माध्यम से कनेक्ट करवाओ, और वो फास्टैग क्या होगा कि आपकी गाड़ी पे लगेगा, तो टोल प्लाजा पे जब जैसे ही गाड़ी क्रॉस करेगी तो आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा जितना वहाँ का पड़ता है। ठीक है, तो यह योजना थी ये। तो हमने गाइज 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो गाइज तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ज़्यादा नहीं है मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक दोस्त को तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि अच्छा वीडियो। और अगर अच्छा नहीं है वीडियो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिसलाइक करो और बताओ कि क्यों डिसलाइक किया, क्या कमी रह गई हमारे मतलब पढ़ाने में। ठीक है, और ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि आप, आई होप आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया हो तो उस पर कर लीजिए। और मेरा अगला वीडियो जब भी मतलब अगला कल आएगा, कल लोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।